जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आशा करता हूँ आप सभी की फिजिकल की जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी कई सारे स्टूडेंट हैं जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल की, बाकी रिजल्ट को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या जो भी चीज है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आप देख रहे पिछले कई टाइम से बारिश चल रही थी और उसके देखते हुए बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी वो इतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपको पता है 100 नंबर का आपका फिजिकल यहाँ पर होने वाला है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप लोग कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने फिजिकल की तैयारी बंद कर दी, बोले सर रिजल्ट चुनाव के बाद आएगा या जो भी चीज है। तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो वीडियो है इसी के लिए होने वाला है। अगर आप लोग अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं एग्जाम के अंदर और आप लोग फिजिकल की जो तैयारी आपने रोक दी, तो वो चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है अगर आचार संहिता लगने के बाद भी अगर आपका रिजल्ट थोड़ा डिले होता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर नवंबर में आपके चुनाव कंप्लीट हो जाएगी और दिसंबर में 110% आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो समय ये ठंड का समय और ये फिजिकल के लिए सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर आपका होने वाला है। दूसरी चीज ये, अगर आप लोगों को लगता है कि यार ज्यादा टाइम में फिजिकल जो है आपका लेट होगा या आपका रिजल्ट लेट आएगा, तो अभी आपकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है फिजिकल की जितनी अच्छी आपकी होना चाहिए। अगर आप लोग 3 इवेंट कंप्लीट करके देखेंगे तो एवरेज अगर आप लोग लगाएंगे तो 60-65 नंबर आपका फिजिकल यहाँ पर होने वाला है। अब इसमें एक चीज और होगी, अगर आपको ज्यादा टाइम मिलेगा तो आपका थोड़ा सा फिजिकल के अंदर कंपटीशन भी बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा कि जो बच्चे कंटिन्यू लगे रहे हैं फिजिकल में, जो अभी तक फिजिकल कर रहे हैं, दोनों टाइम फिजिकल कर रहे हैं, जिनको अच्छे नंबर है वो बच्चे कहीं भी रुकने वाले नहीं है, तो वो और भी फिजिकल में वहां पर अच्छे स्कोर कर लेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो खासकर वो बच्चे जो बाउंड्री पर है और वो बस डिमोटिवेट हो गए सर अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आप दोनों टाइम में से एक टाइम आपका चुन ले, या तो सुबह मॉर्निंग में या आपके इवनिंग में जो भी है, पर आपको फिजिकल को नहीं रोकना है, क्योंकि तीनों इवेंट में अच्छे स्कोर करना बहुत ज्यादा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अभी कंटिन्यू आप बच्चे फिजिकल कर रहे हैं, अगर आप एवरेज लगाएंगे पूरे ग्राउंड का, मैं बोल रहा हूँ ना कि पर्सनल हमारे बच्चों का, तो 60-65 और जिनका बहुत अच्छा फिजिकल है जो पहले से लगे उनका 60-70 नंबर ज्यादा फिजिकल नहीं होने वाला है। और अगर फिजिकल में थोड़ा सा लेट होगा तो उसके लिए आपको फिजिकल में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल तक वहां पर जाने का मौका मिलेगा। तो आपको रुकना नहीं है, कई सारे बच्चे अदर स्टेट से हैं जो कि यहाँ पर आए तैयारी करने के लिए और भी कई सारी जगह कर रहे हैं, तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोग जो टारगेट लेके आए थे एक से दो महीने का, उसको 2 से 3 महीने का आप लोग कर लीजिए और कंटिन्यू आप लगे रहिए, क्योंकि ये रिजल्ट का कुछ भी आप लोग किसी भी एंगल से आप लोग सोचेंगे कि यार कब होगा कब नहीं होगा, तो इसका कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। हाँ, हो सकता है चुनाव के कारण थोड़ा सा डिले हो सकता है, बाकी वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपकी जो फिजिकल की प्रिपरेशन है आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और जो आपका टारगेट है 70-80 हो सकता है उसको आप 90 नंबर तक पहुंचा दे, तो और भी अच्छा आपको वहां पर बेनिफिट इसका मिलने वाला है। तो आपको रुकना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कंटिन्यू फिजिकल की तैयारी करना है। और जो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि फिजिकल इतना आसान नहीं है, आप लोग तैयारी स्टार्ट करें और बहुत अच्छे से करें, तीनों इवेंट में आपका एक टारगेट सेट करें, जो भी आपको जो भी इवेंट आपका अच्छा है, रनिंग अच्छा, शॉटपुट अच्छा, लॉन्ग जंप अच्छा, जहां पर भी आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं वहां पर आप लोग पूरा 100% अपना दे, ताकि आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन लेने में कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि अगर आप रुक गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और ये लास्ट चांस आपके पास में, इसके बाद हो सकता है 2-3 साल 4 साल बाद आपको मौका मिले, तो आपको रुकना नहीं है, लगे रहना, लास्ट चांस समझ के आप लोग मेहनत करते रहिए, बहुत ही अच्छा चांस आपके पास होने वाला है। जिसका फिजिकल अच्छा है वो 100% फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, रिजल्ट को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, आप लोग लगे रहिए, रिजल्ट भी आएगा और फाइनल सिलेक्शन भी आपका यहाँ पर होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।